कलेजा फटता है उनका, कलेजा फटता है उनका जो फाइव स्टार होटल में जाते थे, राजा रानी रहते थे। उस सूट का किराया एक दिन का 1 लाख 1.5 लाख। एक होटल में मैं गया तो कहा यहाँ एक सूट है उसका 5 लाख एक रात का किराया है। मैंने कहा चल भैया थोड़ा दिखा दे उसमें क्या है। मैं गया तो मैं पूछा इसमें रहने वाला मरता है कि नहीं, तो कहा मरता तो सब है। हम कहा जब इसमें भी मरना है तो इसी में आके कहाँ मरेंगे इतने बड़े घर में। बाप को उनकी चिंता है जो 45,000 के बोतल का शरबत पीते हैं, उनका क्या होगा। अरे उनका क्या होगा, बहुत मौज उड़ाए हो, बहुत मस्ती किए हो, देश का खजाना लूटे हो, लुटवाए हो, बांट करके खाए हो। नरेंद्र मोदी आएगा, ऐसा ताला लगाएगा कि सबका दिवाला निकल जाएगा, गांव गरीब किसान मजदूर खुशहाल और अमीर बन जाएगा। उसके बेटे के चेहरे पर लाली आएगी, उनके घर में खुशहाली आएगी। तरफ से बोल रहा हूँ, क्या आप उस निर्भीकता के साथ बोल सकते हैं? जी, नहीं बोल सकते। प्लीज लुक एट द चेयर। यस मैडम, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। अब आइए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अनस्किल्ड लेबर हो, किसान अनस्किल्ड लेबर है और बाकी लोग स्किल्ड लेबर हैं। मैं एक बार अपने खेत में हल चला रहा था, मेरे गांव के बगल में डिफेंस का हवाई पट्टी है, जहाज उड़ रहा था तो मैं रुक गया। मैंने सोचा ये ऊपर से कुछ बोल रहा है हवाई जहाज उड़ाने वाला, तो मैं अपने अंदर से कहा क्या बोल रहा है। तुम यही कह रहा है कि मैं टेक्निकल हूँ, हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ, तू जा हवाई जहाज उतार के या मेरा हल्का मूठ पकड़ के जोत के बता। हवाई जहाज उड़ाने में, हवाई उड़ाने में मैं नॉन टेक्निकल हूँ, हल चलाने में तुम नॉन टेक्निकल हो, दोनों का सौदा बराबर है। तेरी विद्या हम न जाने, मेरी विद्या तुम न जाने। आज किसान की बात करने वाले बड़े बड़े नेता है। वीरेंद्र जी उस दिन कह रहे थे कि उनके आगे में गाय या भैंस रख दीजिए, तो भी नहीं पता लगेगा दूध आगे से निकलता है कि दूध पीछे से निकलता है। काली भैंस काली गाय में फर्क न करे। अच्छा जाबे जो किसानी की बात करते हैं, हम वो नेता नहीं है जो नाटक करते हैं। सिनेमा में एक हीरो आता है, हल चलाता है, कंधे पर जुआ रखता है, एक तरफ बैल को जोतता है और फटे कपड़े फाड़ के, जिस अच्छे कपड़े को फाड़ के लैला मजनू का खेल करता है। उसी तरह राजनीति में लैला मजनू का खेल है, फटा कपड़ा लेके मंच पर लोग दिखाते मेरा फटा है। अरे फटा है लेकिन वो क्या दिखा रहा हो, बोलो ना बचपन में क्या फटा था। हम तो बचपन में फटे कपड़े पहने थे, हम जिस समय थे उस समय ये जीन्स फिन से पैंट पतलून नहीं था। हम तो जो अंडर पैंट पहनते हो आप, वो डोरी वाला पैंट पहनते थे, अब बोरे की टाट पर बैठते थे, गांव में बैठ के बासी भात खाते थे। महोदय संजोग ऐसा है कि जब कभी उधर से वीरप्पा मोइली जी बोलते हैं तो ठीक उनके बाद मुझे बोलने का अवसर मिलता है। वीरप्पा मोइली जी जब बोल रहे थे तो अंग्रेजी के ना जाने कौन कौन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, मैं तो उतने अंग्रेजी के उन शब्दों को जानता नहीं, लेकिन उनके भाव को मैं समझ रहा था। आखिर वीरप्पा मोइली जी आप भी ओबीसी समाज के हैं और मैं भी ओबीसी समाज का हूँ। का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए। हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान है, एक हिंदुस्तान है गांव का हिंदुस्तान भारत, और दूसरा हिंदुस्तान है जिसको कहते हैं इंडिया। वीरप्पा मोइली जी आप इंडिया से बोल रहे थे और मैं भारत से बोलता हूं। आप जब बोल रहे थे तो आपकी भाषा और आपकी भावना को हिंदुस्तान के मुट्ठी भर लोगों ने समझा होगा, और मैं जब बोलता हूं तो मेरा उत्तर प्रदेश बिहार तक के ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली माँ बहन मजदूर किसान सब समझ रहे होंगे। और इस लोकसभा के चैनल से जब बातें प्रसारित होती है तो उन सब तक जाती है। अध्यक्ष महोदय मैं बोलने से पहले एक बार प्रार्थना करूंगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। आपने हिंदुस्तान के उस गर्भिणी माँ के बारे में कभी सोचा?
नहीं नहीं, मैं उदाहरण देता हूं। मैं जिस समय अपने माँ के पेट में था, उस समय मेरी माँ को अगर दूध, दही, मक्खन, घी, मछली, मांस, अंडा, फ्रूट, क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट, फल, सब्जी भरपेट खाने को मिला होता, तो शायद आज भी मेरा रंग रूप कुछ दूसरा हो गया होता। लेकिन चूंकि मैं उस माँ के पेट से जन्म लेके आया हूं, जिसको भरपेट, जब मैं माँ के पेट में था तो भरपेट भोजन नहीं मिला, आधे पेट खाके सोती थी, और कभी कभी माँ के पेट में भी मुझे भूखा रहना पड़ता था। आपने सोचा, आपके दिल में कभी दर्द हुआ? नहीं नहीं, हम तो जेलों में, आपके राज में, जेल में जाते थे तो गाते थे, धनवानों के राजमहल हम गरीब को फांसी घर, हम चलो बसाए नया नगर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने उस माँ के दर्द को समझा और उस गर्भिणी माताओं के लिए 6,000 रुपया भोजन के लिए दिया। सुनो मेरी बात को हिंदी भाषी इलाके के लोगों, अगर पिछड़े हो, दलित हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, गांव की झोपड़ियों में रहने वाले हो, सुनो, अपनी अपनी माताओं तक इस संदेश को पहुंचाओ। 6,000 रुपया प्रत्येक गर्भिणी माताओं को भोजन के लिए मिला। डॉक्टर लोहिया इसी लोकसभा में खड़े होकर कहा था, अरे जिस समय मैं 1960 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना, उस समय कितने लोगों का जन्म नहीं हुआ था, सावन में जन्मा गीदर, भादो आया बाढ़, तो कहा ऐसा बाढ़ जीवन में कभी नहीं देखा। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, और खास करके रंजीत रंजन, मैं उस कोसी के इलाके में घूमा हूं, और जितना मेरे शरीर से पसीना गया होगा उतना आज के नौजवान दूध नहीं पीते होंगे। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, सुनिए मेरी बात को, डॉक्टर लोहिया इसी लोकसभा में श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी को कहा था, हिंदुस्तान में वो माँ जो गरीबनी माँ है, गर्भ में बच्चे हैं, उनको भरपेट भोजन नहीं, दाल नहीं, प्रोटीन नहीं, विटामिन नहीं, उनको पोषक तत्व नहीं मिलता, इसलिए उनके बच्चे के, उनके गर्भ से विकलांग बच्चे, कमजोर बच्चे हिंदुस्तान में पैदा लेते हैं। और जिस देश में माँ के पेट से गरीब, मजबूर, विकलांग बच्चे पैदा लेंगे, वह देश कभी बलवान नहीं हो सकता है। इसलिए उसके तरफ अगर किसी का ध्यान गया, डॉक्टर लोहिया की उस वाणी को किसी ने सुना तो नरेंद्र मोदी ने सुना। इसलिए डॉक्टर लोहिया के शिष्य होने के नाते, इसलिए ठीक बात है कल्याण जी आप मेरी बात न समझेंगे, क्योंकि आप तो अच्छे वकील हैं, आप तो अच्छे वकील हैं ना, हाँ, जो ज्यादा पैसा देगा उसका बहस करते हैं, आप वकील हैं उसके, जो ज्यादा फीस देगा उसकी बहस करेंगे, कागज भी ना पूछेंगे उसने क्राइम किया है कि नहीं किया, प्लीज रुक करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहता हूँ एक बात, हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्प, जितने लोग हैं सबके लिए किया। अंत में मोदी जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास, उस सब में कौन नहीं है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गरीब है, अमीर है, पिछड़ा है, दलित है, सबका साथ सबका विकास, खेत में पानी सबके खेत में पानी, हर हाथ को काम सबके हाथ के काम, हर हर के चेहरे पर लाली सबके चेहरे पर लाली,
हर गरीबी गर्भवती माता को 6000 रुपया, सबके घर में 6000 रुपया, कोई भेद नहीं है किसी जात के लिए, न अल्पसंख्यक है न बहुसंख्यक है, हिंदुस्तान एक समान है। इसलिए समदृष्टि रखिए, सबके लिए बराबर का काम करिए, सब भारत उठेगा, भारत शक्तिशाली बनेगा और भारत मजबूत, और भारत जितना शक्तिशाली बनेगा देश शक्तिशाली और मजबूत बनेगा। हमारा हिस्सा ज्यादा आएगा जब सबका बेटा नौकरी पाएगा, तो सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के भी हम नौकरी पाएंगे क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है। दलित ज्यादा नौकरी पाएगा क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है। जब सबका विकास होगा उसमें मेरी हिस्सेदारी ज्यादा होगी, जब सबका कल्याण होगा मेरी हिस्सेदारी ज्यादा होगी। इसलिए उस दृष्टिकोण से हम सोचते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की योजना ने हिंदुस्तान में आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तन, ये सब की ओर जो आगे बढ़ रहे हैं, इसी से हिंदुस्तान का कल्याण होने वाला है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, नरेंद्र मोदी की रक्षा करिए। अगर कोई संकट आवे तो हम लोगों पर थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई संकट नहीं आवे। वो गांव गरीब किसान का नयन का तारा है, हृदय का दिल का धड़कन है, उसकी रक्षा आप करना जिससे वो आगे कुछ करके दिखाएंगे।